हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे कोई शक नहीं है इसमें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम रीडिंग शुरू करते हैं। किससे? माँ मंत्रा से बिल्कुल करेंगे। ओम गण गणपते नमः, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शुरू करें? चलिए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए भाई शुरू करते हैं। श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा। डिवाइन मदर आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है ना, मैं आपको बताऊं, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे, ठीक है? आपको 7 साढ़े 7 से शुरू होगा, दिन के 12:30 बजे तक समझ लो आप, 20 तारीख को सुबह के। आपको अपने मंत्रास करने हैं। सूर्य जो गायत्री मंत्र है वो करो, और आपकी जो भी मंत्रास हैं जो आप करते हो, वो एक माला 1 लाख माला के बराबर होती है सूर्य ग्रहण पे, चंद्र ग्रहण पे। तो सूर्य ग्रहण पे इसका और भी प्रभाव ज़्यादा होता है। तो जो भी आप माला करेंगे, उस बीच आपका कुछ खाएं ना, कुछ ना पानी भी ना पिए, बट आपको थोड़ा सा अगर प्यास लगे तो थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना वाना अन्न नहीं खाना है, ओके? तो आपको मंत्रास करने हैं अपने आप। ओम नमः शिवाय, बिल्कुल। द्राम मंत्रा कीजिए, बिल्कुल। और मैं बताऊं, ओम नमः शक्ति शिवाय, बिल्कुल। इससे आपकी DMDF बैलेंसिंग होगी। एक माला आप जो करते हैं 108 मन का, वो आपके 1 लाख माला के बराबर होगा। तो भाई साहब, ये मैंने आपको बहुत बड़ा रहस्य बताया है जो हमारे गुरु ने हमें दिया था, मैंने आप सबको दे दिया है। इसका आप लाभ उठाइए सूर्य ग्रहण पर, ठीक है? देखा, कन्फर्म्ड। चलिए, आपके पर्सन की क्या हालत है भाई साहब? मेरे मुंह से निकला आपके पर्सन की क्या हालत है? देखो भाई, मैं आपके पर्सन की निकाल देती हूँ, बट आपको अपने ऊपर काम करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी सॉल्यूशन कि आपको करना क्या है, ओके? आपके पर्सन की तो निकल ही जाती हूँ, क्योंकि आपके पर्सन तो सुन नहीं रहे मुझे, तो इसमें आपको ही बताऊंगी ना सॉल्यूशन, बिल्कुल। वो क्या कहेंगे माइकल, प्लीज़, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की क्या सिचुएशन है, ओके? क्या सिचुएशन है? सपोर्ट, दिस कुड बी द वन। देखो, आप एक साथ आने के लिए रेडी हैं, आपके पर्सन भी रेडी हैं, बट आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि आपके पर्सन का सपोर्ट फुल ऑन है। कोई इसमें मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं इन कार्ड्स में, बिल्कुल खुलेआम पिक्चर मेरे सामने है। ओपन योर हार्ट, आपके पर्सन यही कह रहे हैं, भाई अपना दिल तो खोल के रख मेरी बन्नो जैसे भी आप देख रहे हो बहुत प्यार से बोलते हैं आपको, कुछ ऐसा मेरे मुंह से निकला भाई, मैं नहीं कुछ बोलती, कुछ तो ऐसा है आपके पर्सन ऐसे बहुत प्यार से आपको वो बुलाते हैं, ओके? तो आप अपना हार्ट यानी ओपन कीजिए रिसीव करने के लिए। रिसीविंग मोड पर रहिए, रिसेप्टिव मोड पर रहिए। आपके पर्सन बहुत सपोर्टिव हैं यहाँ पर, और आपके पर्सन सपोर्ट करना चाहते हैं। यस, सेपरेशन है आपके बीच में, कार्मिक पार्टनर आपके हो सकते हैं या आपके पर्सन के साथ भी कार्मिक पार्टनर हैं, वो रिलीज हो रहे हैं या हो चुके होंगे जब तक ये एनर्जी कंप्लीट होगी। डिवाइन टाइमिंग, बिल्कुल। ये डिवाइन टाइमिंग मीन्स यार भगवान का अब आ गया है कि अब आपका मकसद पूरा करवाना है जो इस धरती पर आप आए हैं, इस अर्थ प्लैनेट पर आप क्यों हैं, क्यों पधारे। तो भाई, ये डिवाइन टाइमिंग तो आ चुका है, इसलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं।
बहुत क्लैरिटी के साथ मेरे को उसकी उनकी एनर्जी आ रही है, बहुत ही सपोर्टिव यहाँ पर दिख रहे हैं आप, बिल्कुल आपके साथ हाथ में हाथ पकड़कर वो अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं और करेंगे, ये एनर्जी है। यस, अपना हार्ट ओपन कीजिए। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, आंसर्स अराइविंग, एंजल्स आपके पर्सन को और आपको क्लैरिटी देंगे, आंसर्स जो भी हैं आपके सब मिलने वाले हैं भाई। एक कार्ड और लेते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर किसी में इस चीज़ की कमी है भैया, तो समझ लो कि गाड़ी वहीं अटकी हुई है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो है क्या है, अपनी सेल्फ, अपनी आत्मा को घोटो मत, अपनी आत्मा को दुखी मत करो। किसी को खुश कर रहे हो तो पहले पहले खुद को, अपनी आत्मा को नर्चर कीजिए, उसको खुश रखिए, तभी तो आपका वो आपकी आत्मा कुढ़ती है कि यहाँ तो तेरे को, तूने मेरे को खून पी रखा है, मेरा दुखी कर रखा है मुझे, और दूसरों को तो खुश करती फिर रही है, तो वो चीज़ आपकी ना गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना मान सम्मान पहले है भैया, ठीक है। जब आप अपना मान सम्मान नहीं रखोगे तो दुनिया वाले कुचलेंगे ही कुचलेंगे, और वो तो कहेंगे कि कोई इज्जत नहीं है इसकी, वो आप ही के कारण है, आपने अपनी इज्जत नहीं रखी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये कह रहे हैं आपके अंदर ये एनर्जी होनी चाहिए, अगर मैं आपसे बात नहीं करता हूँ या आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा हूँ और आप बार बार मुझे बार बार सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई फ़ोन करो, ये करो, वो करो, बात क्यों नहीं करते हो भाई, मैं तो इतना पीछे, मतलब जैसे आपका डेस्परेशन, ऑब्सेशन, ये जो एनर्जी है उनके आपके पर्सन को मिलती है, उस वे में आपके पर्सन आज आपको मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, अगर मैं आपसे बात नहीं कर रहा तो आप क्यों पीछे पड़े हो, आपको क्या अपनी इज्जत, आपकी इज्जत नहीं है, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। तो आपका पर्सन इनडायरेक्ट वे में सपोर्टिव क्यों आया ये कार्ड, सपोर्टिव वे में आपको बताना चाहते हैं, सपोर्ट है उनका इनडायरेक्ट वे में, वो एनर्जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई अपनी इज्जत रखो, अगर मैं बात नहीं कर रहा तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं अपने आप कर लूँगा, और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो ये डिवाइन का बनाया हुआ रिश्ता है, डिवाइन टाइमिंग पर ये जो ट्रू लव है ये मुझे भी समझ आ रहा है, समझ आ जाएगा, अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं समझ लूँगा, ये सच्चा प्यार है, उनको भी एहसास हो रहा है और उनकी कहानी बयां कर रही हूँ उनके ही जबानी, मेरे थ्रू, डिवाइन मेरे थ्रू आपको बता रहे हैं। मेरी आवाज़ ही भारी हो गई है भाई साहब, उनकी एनर्जी ऐसी पिक हो रही है। नारायण 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 नारायण, यस। मिरर सेल्फ देखो भाई, ओपन योर हार्ट। क्यों आया? इसलिए आया बेटा, आप एक दूसरे के मिरर, मिररिंग आपकी हो रही है, एक दूसरे के मिरर हो, यानी कि जो आप करोगे ना, जो आपके अंदर है वो आपके पर्सन आपको ट्रिगर करेंगे ही करेंगे, भाई ये निकाल, ये अंदर से निकाल, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, इसलिए अभी कमियां हैं आपके अंदर। तो ये आपको बताना चाहते हैं, रिसीव करो मेरी, अगर मैं ट्रिगर कर रहा हूँ तो वो चीज़ आपके अंदर से रिलीज होनी चाहिए, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको एंजल्स बताएंगे ड्रीम के थ्रू, या किसी वीडियो के थ्रू, या किसी भी चीज़ के थ्रू आपको ये आंसर मिलेगा ही मिलेगा। अट्रैक्शन बिल्कुल है यार, दिस कुड बी द वन। ओके, आपको ऐसे रहना है क्योंकि आपके पर्सन आपको ही प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल बंधे हुए हो ऑलरेडी, आपको बस इस 3D प्लेन पर भी आपको एक साथ दिखना है, सोल से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, बॉन्डेड हो, लेकिन आपको 3D प्लेन पर आपको ये दिखाना है कि हम एक साथ हैं, और वो होगा, ठीक है। लव बिलीव्स सपोर्ट्स, जो भी सपोर्ट है आपका पर्सन का, आपका बहुत ही, जो भी बिलीव सिस्टम थे उनके इस सिनेरियो को लेके जो आपके बीच हुआ, प्यार मोहब्बत की बातें सुनकर ऐसी कुछ एनर्जी मेरे को यहाँ पे आ रही है,
कि भाई कुछ नहीं होता, प्यार व्यार सब देख रखा है मैंने, मैं तो बचपन से परेशान होता हूँ, कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब धोखा देने वाले हैं, सब ये करने वाले हैं, सब कोई अच्छा नहीं है यार इस दुनिया में, प्यार व्यार नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं है, या तो मतलब निकला लात मारी, कुछ ऐसी एनर्जी किसी की मेरे को पिक हो रही है। बताना कि किसके पर्सन और आपके बीच में ये बहसबाजी हुई, ठीक है? तो उनके जो भी बिलीव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अब चेंज होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग उनकी यानी कि सोल ने उनको हिला दिया है अंदर से। भाई जो तेरी सोच है ना वो तेरे कर्मास थे, लेकिन तेरी सोल जो है तुम, यानी कि तुम डिवाइन फेमिनाइंस, वो जो तेरी सोल है वो असली में तेरा प्यार है। और प्यार क्या होता है उनको बताया जा रहा है, असली प्रेम क्या होता है वो उनको सिखाया जा रहा है। अवेकनिंग किस लिए होती है, यही कि अनकंडीशनल प्यार क्या होता है यही सिखाया जाता है। पेशेंस, बिल्कुल आपके पर्सन के अंदर पेशेंस है, फ्रीडम चाहते हैं वो, अब हर तरह से फ्री रहना चाहते हैं, आई एम फ्री, आई एम रिलैक्स्ड, ये कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और आई वॉन्ट टू पीस, आई वॉन्ट टू फ्री इन सब ढकोसलों से जो ये सब चारों इर्द गिर्द उनके सामने वो चल रहे हैं, ये नाटकबाजी सब कुछ, उनसे वो फ्री होना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है, इन्फैचुएशन, बिल्कुल वो बहुत ही आपकी आंखों में उनका, आप उनकी आंखों में बसते हो, आंख बंद करते तो आप ही दिखते हो, इतना प्यार इतना लगाव है भाई, मेरी आवाज़ से जान सकते हो कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये एनर्जी यूनिवर्स से कहाँ से कनेक्ट हो रही है, आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर आपका बीच में सेपरेशन है, आप बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉकिंग वाली स्टेज पर है, ब्लॉक्ड हैं, डोंट वरी ये अनब्लॉक भी होंगे, ठीक है? आप अनब्लॉक भी होंगे, क्योंकि आप जब अपने ऊपर काम करोगे, पेशेंस के साथ चलोगे जर्नी में, फ्री महसूस करोगे, कोई बॉन्ड आपको नहीं घेर सकता, कोई बॉन्ड अगर आपके आपके पर्सन से है तो वो आपको एक तरह से बांध नहीं सकता, वो बंधे हुए ऑलरेडी हो, आप उसमें जकड़ो मत, अपने आप को फ्री रखो, अपने आप को, वो जो आपका है वो आपके पास आके रहेगा ही रहेगा, वो आपका होगा ही होगा, फ्री रख के तो देखो अपने आप को यार, फ्री हो जाओ, जो ईश्वर चाहते हैं आपसे कराना चाहते हैं वो करो। कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल है, मैंने क्या कहा, आपके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बहसबाजी हुई है, मनमुटाव हुए हैं, आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम्स आपसे बाद में बीच में बातें की हैं, फिर आपकी बहसबाजी हुई है पैसों को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, कुछ ना कुछ आपके बीच में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स द्वंद्व तो आपके दिमाग में उनके भी चल रहे हैं आपके भी चल रहे हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आपके, देखो ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, इसीलिए ये एनर्जी है कि आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ लोगों की अभी स्टार्ट हुई है, कुछ लोगों की अभी मिड ऑफ द जर्नी में है, आपके पर्सन सोच रहे हैं टाइम लगता है जैसे आपको टाइम लग रहा था, ठीक है? तो अभी आपके पर्सन कुछ लोगों के रेडी नहीं है, बट वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक ट्रांजिशन पीरियड से पास हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, एक नई न्यू स्टार्टिंग होगी। फॉरगिवनेस, कैसे कैसे कार्ड दिख रहे हैं भाई साहब, फॉरगिवनेस, बिल्कुल कहीं ना कहीं वो अपने आप को माफ कर रहे हैं, अपने पास्ट की चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, एक नया सवेरा उनकी लाइफ में भी हो रहा है भाई, चीज़ों चीज़ों में क्लैरिटी मिल रही है उनको। ओके, एक मिनट, तो यहाँ पर ये एनर्जी मैं कार्ड्स ऐसे नहीं निकालना चाह रही थी, बट एक के बाद एंजल्स कह रहे हैं प्लीज स्टोरी कवर कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल भाई आपका एक ये कॉन्ट्रैक्ट में है, और आप ऐसा कुछ मेरे को फील हो रहा है कि बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों ही, अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो भाई बैलेंस आएगा आपके कनेक्शन में, और आपके पर्सन भी जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है, हम दोनों ने मिलकर साइन किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट में है हमारा, और ये जर्नी है बिल्कुल है, और हमारा साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, आप दोनों के बीच में, ठीक है? वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आप अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हो गाइस, बिल्कुल अच्छी बात है,
लेकिन आपको ही पता है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। आप ग्रोथ में बढ़ रहे हो लेकिन आपने होल्ड कर रखा है अपने आप को कहीं ना कहीं। अभी यार मैं रेडी नहीं हूँ रीयूनियन के लिए, अपने पर्सन के साथ आने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको वेट है। और डो टू स्पिरिट, देखिए आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके दरवाजे पर हैं, वो आपके ऑलरेडी आपके अराउंड हैं, आपके आसपास हैं, और वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा गहरा हो हमारा, ताकि आप उनकी बातों को समझ सकें और वही क्लैरिटी आपको दिलवाएंगे किस चीज़ से, कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। यस, आपकी लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस आ रही है यार, डोंट वरी। देखो भाई, आप जो ये परेशान है ना, आप कहीं ना कहीं ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर वाले भाई बहन, रिश्तेदार, नाते रिश्ते जो भी है, कुछ डिस्टॉर्टेड है, डिसफंक्शनल फैमिली मैं कह सकती हूँ, उससे आप परेशान हैं। आप ग्रोथ में, ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है या आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने काम को लेकर, या आप किसी भी एरिया में काम नहीं कर सकते हैं, या आप परेशान, आप कहाँ पे सोच, मैंने देखा ना ये एनर्जी कहाँ से आई मेरे को, कि आपकी सोच कुछ ऐसी है कि यार मैं कैसे बताऊँ, चारों तरफ लोग ऐसे धोखे देने वाले हैं, चारों तरफ ऐसे आगे सामने से कुछ पीठ पीछे कुछ इस तरह के लोग हैं, कुछ आपको पैसों की वजह से तंग कर रहे हैं कि आपसे पैसा ऐंठते हैं यहाँ पर, कुछ पैसों से दिक्कतें हैं उन लोगों को, पैसा ऐंठते हैं और आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पे एनर्जी है, जिसकी भी है मेरे को बताना। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर, आपके पर्सन भी अगर मैं बोलूँ तो गॉडेस ऑफ द मून है यहाँ पर, आपको एक तरह से मेंटली पीस मिलेगा गाइस। आपको एक चीज़ पर फोकस करना है, मल्टीपल चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। द वर्ल्ड बिल्कुल यहाँ पर यूनिवर्स से कनेक्शन बनाकर रखना है, कहीं अगर बाहर जाना है तो बिल्कुल आप कहीं भी बाहर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, यूनिवर्स कह रहे यस यू आर रेडी, ठीक है आप जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे थे यिन एंड यांग एनर्जी, बिल्कुल आप कहीं ना कहीं शिव शक्ति बैलेंस यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन आपसे बंधा हुआ, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है आपके, ये फील हो रहा है मुझे, आप दोनों एक दूसरे बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से भी बंधे हुए हैं, उसको चुटकी मारो, आउट करो अपनी लाइफ से। बैक ऑफ द स्टोरी क्या है भाई, एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस तो ये आने वाला है, आएगा, क्योंकि पेशेंस इज की टू योर सक्सेस इन योर लाइफ, फॉर योर जर्नी बहुत जरूरी है। पेशेंस 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 रखो, एंजल्स पर विश्वास रखो, डिवाइन पर विश्वास रखो, ठीक है, तो सब चीज अच्छी होगी। ओके ओके, टैरो से देख लेती हूँ आपके पर्सन में क्या, पर्सन की लाइफ से और आपके लेके आता है फटाफट। ओके आकर्षण माइकल प्लीज हेल्प मी। भाई आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं, ये ना यंग एनर्जी है यहाँ पर, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये एंजल्स आपके साथ हैं, आपके पर्सन आपको ना बहुत याद कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, बट आपको दिल से लगा कर रखते हैं, आपकी हर प्यारी चीज़ को। पैसों से कोई प्रॉब्लम उनकी थी, लेकिन समझ, पैसों से रिलेटेड कुछ दिक्कत है उनको, बहुत कमाना चाहते हैं, अपने अपने जो फाउंडेशन है बहुत लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, वो एक ऐसा अपने आप को बनाना चाहते हैं कि किसी चीज़ की दिक्कत ना हो मुझे, और इस पर वो एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो परेशानी दूर हो रही है कहीं ना कहीं गाइस, कि आपके बारे में तो सोचते ही हैं कि आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए ही सोच रहे हैं, आप ही उनकी एम्प्रेस हो, और आपको मिरर कर रहे हैं गाइस यहाँ पर। अगर आप मेडिटेशन से हील कर रहे हैं अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सन की हीलिंग होती है। यस, एक नई शुरुआत आपके साथ करेंगे, एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, एक नई फैमिली, सच्ची फैमिली वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। यस, टू ऑफ कप्स बिल्कुल कंफर्म्ड, एंड बॉटम द डेक है द मजिशियन। आपके पर्सन बहुत ऑलराउंडर है यार, ओके ऑलराउंडर है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे में आपको मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, सोचते हैं, देखो कैसे यूं कार्ड कर ओह गॉड, थ्री ऑफ कप्स आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं गाइस,
ओवर थिंकिंग, बिल्कुल बैलेंस तो लेकर आना ही पड़ेगा उनको। आएंगे, सोच रहे हैं क्या करूं यार, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। आपको आगे ग्रोथ करते हुए बहुत खुश है। आपके बीच में कुछ सडन ऐसा होगा अनएक्सपेक्टेडली कि आपके पर्सन सडन आपके सामने खड़े हुए मिलेंगे भाई। चलिए अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, थैंक यू गाइस, टेक केयर।